चाहे शिल्पा शेट्टी हो चाहे बादशाह हो, उनके दिखावा है के लिए फेस वैल्यू बढ़ता है और कुछ नहीं, जो कहना बस बता रहा है। ड्रामा ड्रामा ज्यादा होता है क्या? 10,000 से 15,000 बच्चे होते हैं, उनके वजह से सोनी टीवी चल रहा है, कंटेंट जो होता है उनके वजह से वो टीवी शो चल रहा है। कम से कम जो बच्चे जा रहे हैं, कम बल्लू लगा लें, ऐसे लगा के पाँच लगे वहाँ लड़का बटन दबा दें, बस यही चीज दबा देते हैं, गलत है। मैं कहता अगर आपको जो देखने लगे किरण खेर को, किरण खेर की बता रहा हूँ उनको, तो बस पलवा ऊपर करके पाँच लगे लड़का बटन दबाने में पहले आके रहते हैं। अरे बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी हमारे चैनल पे, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपको। और मैं धर्मेंद्र राजवार यूपी बराई से गाय सभी हम आजमगढ़ के धरती पे हैं, और सभी को लेट जो हुआ उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, और थोड़ा आने में थोड़ा देर हुआ, और मैं चाहता हूँ आप लोग का ही बदौलत में पूरा इंडिया गो टैलेंट केरला टीवी शो और ग्रेट खली, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिले तो मैं ग्रेट खली मतलब डालो सी ज्वाइन करूँ और पूरे भारत देशवासियों को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। अभी एक पुराना इंटरव्यू आपका देख रहे थे, आपने कहा कि हमने एक मिनट में 35 तोड़ दिया था नारियल, एक नारियल बच गया था और चीटिंग हो गई, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटने से बच गया, क्या चीटिंग हुई थी? चीटिंग इसलिए हुई थी, मान लीजिए कल हमें रिकॉर्ड ब्रेक करना था 35 नारियल तोड़ने थे और आज हमें करीब 20 नारियल मतलब वहाँ पर डायमंड ले लिया गया था, जो वहाँ पे बादशाह शिल्पा शेट्टी दोनों मतलब वहीं पे थे। हाँ। में एक दिन पहले हम सब इंडिया गॉट टैलेंट, हाँ तो एक दिन पहले मतलब आइडल में मतलब डेमो लिया गया, डेमो लेने के बाद सर में डैमेज हो गया था, उसके बावजूद भी हमने सर नारियल तोड़े थे 35 नारियल, उसमें से एक नारियल मिस हो गया था जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, तो उसी के फिर दोबारा मतलब ऑडिशन होने वाला है, उसको तैयारी कर रहा हूँ, अगर इस बार टूटेगा जरूर आपकी बार, हाँ टूटना चाहिए, भारत का परचम लहराना चाहिए, पूरा झंडा गाड़ का टूटना जरूर चाहिए। और मैं हमारे राम सूरत राजभर एमएलसी जी हैं, पिताजी हमारे हैं, और उनको आशीर्वाद प्यार मुझे ज्यादा काफी मिला और उन्हीं का आवेदन से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और हमारे महेंद्र प्रधान जी हैं और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी अभी आपका क्या रिकॉर्ड लक्ष्य है रिकॉर्ड तोड़ने का? भारत को छोड़कर चाइना पाकिस्तान जर्मनी पूरी वर्ल्ड की बात करता हूँ, किसी भाई मध्यम में तो मुकाबला और सामना करें, 500,000 1500 नारियल तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ जो पूरे भारत देशवासियों का नाम होगा। आई एम रियल इंडियन, एक गरीब किसान का बेटा हूँ, अगर आप चाहो तो हाथ दे सकते हो, आई एम पूरी तैयारी हमारी है, और मौका मिला झंडा गाड़ेंगे पूरा देश विदेश में। हम तो चाहते हैं कि हमारे एक बार मौका दिया जाए ताकि हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट है कि मुझे मौका मिले ताकि हम पाकिस्तान में भी झंडा गाड़ के आए, पाकिस्तान में आप जाके आए झंडा गाड़ के आए, ओके बिल्कुल, हाँ। हम पूरा तैयार उसके लिए, आप लोग आशीर्वाद, मौका मिले आपको, मौका मिले हम झंडा गाड़ के आएंगे। लोग यूं ये भीड़ लगाए हैं ना, आप जानना चाहते हैं जब आप नारियल तोड़ते हैं ये चोट नहीं लगती आपको? रियल चीज आपको बिल्कुल सामने टाइम देने वाला हूँ, बस काफी मैं तो औलादी जिसमें आपका, और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला आजमगढ़ के धरती पे मात्र 4 मिनट के अंदर करीब हम 400-500 नारियल तोड़ने का रिकॉर्ड बना के जाऊंगा, मुझे पूरा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना के जाएंगे? जी जी हाँ। तो हमारे बीच धर्मेंद्र जी हैं, अभी नारियल तोड़ के आपको दिखाएंगे, तो आप यही तोड़ेंगे ना कि कहीं दूसरे जाएं? यहीं पे। तो भाई नारियल अगर आप लोग अवेलेबल हो तो लाइए, हम बिहार पटना औसत बहराइच घर है, बहराइच से यूपी से मतलब बिहार पटना हमारे खान सर गुरुजी भी नारियल पानी पिला चुके हैं, मनीष कश्यप आपके नुद्धाचार्य जी मथुरा वृंदावन, आप जो है जहाँ पहुँचते वही घर हमारा है, आजमगढ़ में तो घर हमारा है, यहाँ वो नहीं है कि आप बोलेंगे आप घर जाएंगे, भाई बोलेंगे बस हमें प्यार चाहिए, प्यार के बदौलत में खड़ा हुआ नहीं। और आप लोग के बदौलत ये कब से आपने नारियल तोड़ना शुरू किया? पहले रोहतक सब्जी मंडी में थे, 2020 में हम वही थे, अच्छा। जब पहला लॉकडाउन लगा था वही हमने स्टार्टिंग किया था। अच्छा, अभी मतलब लॉकडाउन से ही शुरू किया? हाँ, लॉकडाउन से शुरू कर मात्र अभी 3 साल हुए, चौथा लग रहा है अभी, तो 3 साल मतलब हो गए हम करते हुए, और अब इतना नारियल तोड़ चुका है कि कभी गिनती ही नहीं है, तुम्हें कितना तोड़ चुका हूं, कितने तोड़ चुके हैं। एक बात बताइए, जो रियलिटी शो होते हैं जैसे आप इंडिया गॉट टैलेंट में गए हैं, बड़े आरोप लगते हैं रियलिटी शो में कि ये बड़े फिक्स होते हैं, पहले से लिखे जाते हैं, ऐसा क्या लगा आपको? नहीं, फिक्स नहीं होते हैं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल करीब से देखा है वहाँ पे, बस मुझे एक ही बात दुख लगता है कि मान लीजिए अगर रिकॉर्ड जो बनाया जाता है और बच्चे कम से कम 15,000 से 20,000 बच्चे जाते हैं, हर कोने से जाते हैं, हमारे कहने मतलब ये कम से कम अगर जजस में चाहे शिल्पा शेट्टी हो चाहे बादशाह हो, हमारे कहने मतलब कोई व्यक्ति कोई बच्चा अगर वहाँ रिकॉर्ड बनाता है, अगर किसी चाहे सिंगिंग हो चाहे मार्शल आर्ट हो चाहे पहलवानी हो, कम से कम उसको इनाम और प्यार दिया जाए, कम से कम बेचारा अपना घर द्वार छोड़ के 2-4 लाख दे भी देते हैं उन्हीं को दिया जाता है, जो
सेलेक्ट होते हैं? वहाँ भी नहीं देते हैं। अच्छा, केवल कहना है कि पैसा दिया जाता है, केवल दिखावा है। हाँ, केवल एक फेस वैल्यू बढ़ता है और कुछ नहीं, जो कहना बस बता रहा है। ड्रामा ज्यादा होता है क्या यहाँ पे? फेस वैल्यू का कोई मतलब, अगर बड़ा कोई नाम है जैसे आप हो गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के गए आप, क्या स्पेशल ट्रीट दिया जाता है कि नहीं वहाँ पे? एक्चुअली क्या है कि देखिए, अगर बुलाया जाता है हर कोने से, तो मतलब रहने के खाने के व्यवस्था सब दिया जाता है, सब सुविधाएं दिया जाता है। तो हमारे घर मतलब कम से कम आपको जो हमारे वजह से, जैसे मान लीजिए कभी 10,000 से 15,000 बच्चे होते हैं, उनके वजह से सोनी टीवी चल रहा है, कंटेंट जो होता है उनके वजह से वो टीवी शो चल रहा है। कम से कम जो बच्चे जा रहे हैं, कम से कम अगर शो कोई दिखा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ दिया जाए, कम से कम उनके मनोबल बढ़ाने के लिए बढ़ाया जाए। अब ऐसे नहीं कि आपको बुलाया जाए फिर उसको बस किराया बढ़ा दिया जाए फिर आपको वापसी भेज दिया जाए। इसे क्या आता है, बहुत ऐसे लोग जो होते हैं ना, तैयारी करते हैं 1-2 साल पहले तैयारी करते हैं, मंच पे जाते हैं, जैसे हमारे गीता जी हैं, जी जी, तो पल्लू लगा लिए, ऐसे लगा के पास चल के वहाँ लाल का बटन दबा दिए, बस यही चीज है, अपना दबा बजट दबा देते हैं, गलत है। मैं कहता अगर आपको जो देखने लायक है, किरण खेर को आप कह रहे हैं? किरण खेर की बता रहा हूँ उनको, तो बस पलवा ऊपर करके पास चले, वो लाल का बटन दबाने में पहले आगे रहते हैं। अरे कम से कम 1-2 साल बच्चा तैयारी किया, उसके लिए मेहनत देखो, पूरा तो देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। अब ये थोड़ा मतलब जरा वहाँ से बुलाया जाए उसके बाद बेइज्जती किया जाए, सब गलत है। तैयारी करते हैं, सही करना चाहते हैं। बाकी रियलिटी को जिस तरीके से दिखता है टीवी पे, उस तरीके से है नहीं? एक एक माहौल खड़ा किया जाता है, दिखावा मतलब ऐसे लोगों को लगना चाहिए। अच्छा, आपसे इंडियन गॉट टैलेंट वाले संपर्क कैसे किए? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जो एकदम बहुत फेमस है, तो उसको देख के वीडियो आपको संपर्क किया आपसे कि, या फिर फोन नंबर या कैसे संपर्क किया? रोहतक हरियाणा में थे हम कभी, वहाँ पे सब्जी मंडी में हमारे भाई रहते हैं, उनसे काफी प्यार दुला रहा। अच्छा, और उनकी लड़की करीब 5 साल से इंडिया गॉट टैलेंट आते जाती रहती है। अच्छा, तो मेरी उनसे संपर्क हुई और बोले कि बहुत आगे बेटा जाओगे तुम और मैं आपको सपोर्ट करूंगा। वहीं से मैं फिर सोनी टीवी, वहाँ से आप सोनी टीवी पहुंचे, बाकी वीडियो अपनी चली रही थी और उसकी वजह से मतलब वीडियो भेजे, मतलब उनको सिलेक्शन हो गया। क्योंकि देखिए, आप तो मिलियन में आपका व्यू जा रहा है, हाँ, खूब फेमस हैं, तो इंडिया का टैलेंट में जब आप गए हैं, आप किस स्टेप तक फाइनल में आप पहुंचे, सेमीफाइनल स्टेज आप पहले राउंड में बाहर हो गए? हम बाहर नहीं हुए थे, जैसे रिकॉर्ड बनाने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 10 रिकॉर्ड बनाने थे, सभी बाहर से लोग आए थे, 10 से 12 बच्चों को मतलब सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे रिकॉर्ड में, गिनीज बुक मतलब गिनीज बुक, तो जैसे 2 से 3 बार में मतलब नारियल और किसी एशियन करने थे, मतलब 3 बार मौका था हमारा, क्योंकि हार्ड वर्क है तो एक ही चांस था, तो हमारे एक दिन पहले तोड़वा के सर डैमेज कर दिए, ये थोड़ा मुझे लगता है होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अगर वो 20 हम नहीं तोड़ते तो कम से कम 50 नारियल तोड़ता मैं 1 मिनट में, इतनी तैयारी। 1 मिनट में कितना नारियल तोड़ेंगे कि रिकॉर्ड बन जाएगा? 1 मिनट में करीब हम 155-160 नारियल तोड़ चुका हूँ हाथों से, करीब 35 में तोड़ा ही था वहाँ पे इंडिया को। रिकॉर्ड क्या है? विश्व रिकॉर्ड 148 का रिकॉर्ड है हाथों से। अच्छा, जर्मनी का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड है 35 का, और अपना चाइना का भी रिकॉर्ड, मतलब कई लोगों का रिकॉर्ड है, तो उन्हीं के रिकॉर्ड की तैयारी। हम चाहते हैं कि आप रिकॉर्ड तोड़िए और भारत का नाम और रोशन करिए, और बस हमें आप लोगों का आशीर्वाद प्यार चाहिए, पूरी तैयारी है, हम चाहते हैं मौका मिले ताकि हम 400, 500, 1000, 1500 नारियल तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।